पत्रकार को जान से मारने की दी धमकी, खबर छापने से बौखलाया शराब माफिया। बरही थाना अंतर्गत ग्राम करौंदी खुर्द निवासी पत्रकार प्रेमलाल सेन को गांव में शराब बेचने वाला रामदयाल साहू जान से मारने की धमकी दे दिया। पत्रकार प्रेमलाल सेन ने बताया कि 9 मई को आबकारी विभाग द्वारा घर से शराब बरामद की गई, जिसकी खबर प्रकाशित किया, जिस पर भड़क कर मुझे व परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसकी शिकायत थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी से की गई। टीआई ने तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। संदीप स्वर्णकार की रिपोर्ट। बरही कर देंगे, हमको पहचानते नहीं हो, हम किस तरह के आदमी हो अभी तक नहीं पहचाने, अब समझ में आएगा। क्या करते हैं लोग, क्या नाम है इनका? रामदयाल साहू। क्या करते हैं लोग? खेती बाड़ी करते हैं और ये अवैध शराब का धंधा करते हैं। आपको किस बात को लेकर के आपको धमकी दी गई मारने की? कवरेज जो 9 मई की कार्रवाई हुई आबकारी विभाग के द्वारा, उसका कवरेज करके मैं मीडिया में पोस्ट कर दिया, उसी को लेके 12 तारीख को 9 मई की कार्रवाई हुई। 12 तारीख को मेरी गाड़ी अपने घर के पास में गाँव की ओर जा रहा था, उसके घर से गाड़ी रोक लिया, मेरी चाबी निकाल लिए और दोनों बापू मेरे को रामदयाल साहब ये धमकी खुद दिए। मैं कहा ठीक है भैया, अभी मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ। शिकायत किया क्या आपने? शिकायत की है आपने कहीं? बता रहा हूँ पूरी कार्रवाई तो बता रहा हूँ, 9 को हुआ। फिर मैं कहा गांव का जगह है थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, मैं रुक गया। फिर 12 को मेरे को धमकी दी, 18 को मेरी घरवाली आई पानी भरने हैंडपम्प में उसी के घर के सामने, तो घरवाली से भी उसने खूब धमकी दिया। घरवाली सैमी बोले आप रिपोर्ट कर दो, बता रहे हो गया, थोड़ा बहुत धमकी देते हैं। फिर रहा, फिर गांव में यहाँ वहाँ सब जगह बताता रहा कि मैं पूरे गांव की को बता दिया हूँ, सरपंच सचिव सरपंच को बता दिया हूँ, बरही पुलिस को बता दिया हूँ और उसके सभी भाइयों से बता दिया हूँ, अब मेरा मन जो होगा मैं उसके साथ करूँगा। तो फिर एक गांव का रजक लड़का है, उसको परसों बुलाया अपने घर में, बुला के बोला जाके उसको संदेश बता देना, जो घर में छिपा रहता है मैं उसके उसको उड़ा दूँगा। इसके बाद वो घर में जाके बताया हमारे परिवार के साथ बैठ करके, तो परिवार के लोग ज़्यादा सहम गए। फिर मैं नहीं टरका पाए, बोले कि जाओ आप रिपोर्ट कराओ। फिर मैं बरही आया, बरही आया तो अपने पत्रकार साथियों को भी बताया और फिर लिखित दरखास्त PI साहब रावेंद्र द्विवेदी जी को दिया, उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन दिया।